हेलो फ्रेंड्स तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस कंडीशंस कंडीशंस क्या है अभी एक्सप्रेस कंडीशंस क्या है अभी जो पहले पढ़ा तो वो था इम्पायल्ड कंडीशन वो कहते हैं कोर्ट के द्वारा होता है वो लिखा भी हो सकता है पॉलिसी में और नहीं भी लिखा हो सकता है एक्सप्रेस कंडीशन क्या है कहते वो प्रिंटेड होगा या एंडोर्स होगा पॉलिस पॉलिसी के साथ ठीक है, है और उसके स्टैंडर्ड के बारे में पॉलिसी के साथ दिया होगा पॉलिसी वर्डिंग के साथ ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं जैसे कि पॉलिसी ऑपरेटिव क्लोज है ऑपरेटिव क्लोज को हम क्या बोलते हैं एक और है ना इसका नाम वो क्लोज है ठीक है फायर पॉलिसी स्पेसिफिकली स्टेट दैट एडमिनिटी अंडर द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड एक्सक्लूशन कंटेन हेयर इन और एंडोर्ज और अदरवाइज एक्सप्रेसड हेयर इन ठीक है तो यही चीज़ कह रहा है कि ऑपरेटिव क्रोस में बताया है ना एक्सप्रेस कंडीशंस के बारे में जो भी कंडीशंस रहेगा एक्सक्लूशन रहेगा वो पॉलिसी में लिखा जाएगा ठीक है और उन्हीं के बेस पे एडमिनिटी होगी ठीक है प्रिंसि मतलब वो जो एडमिनिटी पे की जाएगी उसी के बेस पे होएगी ठीक है, है अभी कहते हैं कुछ ना द पर्पज एंड प्रोविजन ऑफ कंडीशन में बी इलस्ट्रेटेड विद द रेफरेंस कुछ पॉलिसी है जिसमें ना कुछ रेफरेंस दे के कंडीशंस बताई होती हैं अभी फायर पॉलिसी है उसमें ना फिफ्टीन फिफ्टीन कितनी है पंद्रह तो पंद्रह कंडी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में पंद्रह कंडीशनस उसमें लिखी जाती है ठीक है एंड uh, कहते हैं ये ना टिपिकली ये सभी पॉलिसी में होता है ऑलमोस्ट ठीक है बट uh, कुछ ये होता है कि सर्कमस्टांसिस की वजह से थोड़े 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 थोड़े, थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं बट uh, वो स्टैंडर्ड कंडीशनस है वही स्टैंडर्ड रहती हैं अभी इसके फीचर्स हैं कंडीशन के तो पहला फीचर क्या है कहते हैं कंडीशन है, प्रोवाइड द पॉलिसी शेल बी अवाइडेबल कहते हैं अभी पॉलिसी कब कैंसिल हो सकती है कुछ कुछ कंडीशंस है जब बंदा मिस रिप्रजेंट करता है मिस डिस्क्रिप्शन देता है या नॉन डिस्कलोजर फैक्ट करता है ठीक है और ठीक है तो ये कहते हैं ऑटोमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल है तो ये ब्रीच कर देगा जब ये ऑटोमोस्ट गुड फेथ ब्रीच करेगा तो वो जो पॉलिसी है वो वाई बन जाएगी यानी कि उसको नील घोषित कर दिया जाएगा मींस के वाई हो जाएगी इसके बारे में हमने उसी में भी पढ़ा है इम्पायल्ड कंडीशन बारे में ना है ना कि वो चेंज हो सकती है ठीक है ओके देन ऑल इंश्योरेंस अंडर द पॉलिसी अच्छा ये सेवन डे का ऑप्शन होता है कि हाँ जी सेवन डे में पॉलिसी वो जो इंश्योर है या इंश्योर्ड वो बंद करवा सकता है ठीक है कब जैसे जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्ट बिल्डिंग ऑफ और द पार्ट अगर कोई बानो किसी चीज़ ने मानो एक बिल्डिंग ने इन्होंने ना अच्छे से क्लियर नहीं किया बट इसका यही है शायद कि एक मानो बिल्डिंग उन्होंने इंश्योर करवाई और वो गिर गई या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी चाहे किसी एक्सीडेंट की वजह से तो उसका लीगल राइट है कि वो बताए कंपनी को ठीक है अगर नहीं बताता ठीक है अगर सेवन डेज़ के अंदर कहते डज़ नॉट अप्लाई उसको बताना पड़ेगा अगर नहीं बताता तो पॉलिसी सीज कर दी जाएगी खत्म हो जाएगी कहते दिस डज़ नॉट अप्लाई इफ सच फॉल और डिस्प्लेसमेंट इज़ कोज बाय द इंश्योर्ड पैरल विच लॉस और डैमेज इज़ कवर्ड बाय द पॉलिसी अगर कहते वो जो फॉल हुआ है बिल्डिंग का या कोई डैमेज हुआ है ठीक है अगर वो पैरल की वजह से हुआ है पैर, इंश्योर्ड पैरल यानी कि इंश्योर्ड पैरल मतलब जो उसने पॉलिसी में पैरल कवर करवाए उसकी वजह से हुआ है तो वो पॉलिसी ऐसा अप्लाई ये वाला जो ऊपर वाला दिया था बी सीजिंग वाला वो नहीं होगा फिर भी कहते हैं हाउ एवर अगर इफ़ द नोटिस इज गिवन नोट लेटर दैन द सेवन डेज ऑफ सच फॉल द कंपनी मे एग्री टू कंटिन्यू द इंश्योरेंस सब्जेक्ट इज रिवाइज टर्म एंड कंडीशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ द पॉलिसी अगर मान लो कुछ फॉल एंड डिसप्लेसमेंट हुआ और वो सात दिन उसकी ये कंडीशन है कि वो सात दिन में सात दिन में कंपनी को बताएगा अगर उसने कंपनी को बता दिया तो कंपनी क्या करेगी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर देगी और जो पॉलिसी चल रही है उसको चलने देगी ठीक है थर्ड कंडीशन में कहता है इसको बोलते हैं मटीरियल अल्टरनेशन कंडीशन मटीरियल अल्टरनेशन कंडीशन अल्टरनेशन मीन्स चेंजिंग मटीरियल चेंजिंग कंडीशन है ना मिल्ट मटीरियल अल्टरनेशन कंडीशन कहते कोई भी अंडर एनी फॉलोइंग कोई सरकमस्टांसिज हैं जिसके अकॉर्डिंग द इंश्योरेंस सीजिज द अटैच एज द रिगार्ड ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड दो इंशोर कुछ ऐसे सरकमस्टांसिज आएंगे ठीक है तो जिस केस में वो क्या करेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी को सीज़ कर देगी जैसे कहते ट्रेड चेंज इन अ ट्रेड और मैन्युफैक्चर नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन मानो इंश्योरेंस कंपनी है ठीक है उसने किसी चीज़ का कुछ कवर किया रिस्क कवर किया मानो एक आ, धागा बनाने वाली फैक्ट्री है ठीक है तो धागा बनाने बनाने वाली फैक्ट्री कवर की बट उसने मालिक ने क्या किया बिजनेस चेंज कर लिया और बाद में केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया चाहे वो कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री इंश्योर्ड है बट नहीं तो उसने चेंज किया डिस्प्लेसमेंट भी किया काम में चेंज कर दिया उसका मैनुफैक्चरिंग चेंज हो गया ट्रेड चेंज हो गई तो रिस्क भी चेंज होएगा ठीक है इसीलिए वो पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी उसके इसमें सीज कर दी जाएगी ठीक है विल क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिज चेंज हो गए तो डैमेजेस और इंश्योर का पैरल आने बाद, के बाद डैमेजेस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर कहते मानो वही फैक्ट्री वाला केस उसने फैक्ट्री इंशोर करवा ली बट उस उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा तीस दिन से ऐसे पड़ी है सामान अंदर पड़ा है तो चोरी होने का खतरा है मीन्स के वो इसको को बढ़ा दिया अगर वो इस, उसको बताता नहीं है कंपनी को तब भी वो सीज कर दिया जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट अनलेस विल और ऑपरेशन अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है वो अपनी फैक्ट्री बेच देता है चाहे उस उसकी कंपनी इंश्योरड है बट अगर उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है वो ट्रांसफ़र हो गया ना तो तब भी ठीक है बाय विल अगर कहते वो वसीत होता है उसके अकॉर्डिंग या ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी के कारणवश किसी भी तरीके इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेंज हो गया मानो मेरी फैक्ट्री है ठीक है और, और मेरे फादर साहब ने वो विल बना दी जो होती है ना वसीयत बना दी कि हाँ मेरी पॉलिसी मेरे भाई वो फैक्ट्री है मेरे भाई को जाएगी वो चेंज हो गया सब कुछ बट पॉलिसी को नहीं बताएगा कि हाँ जी ये चेंज हो गया तब भी वो सीज़ हो जाएगी तो कहते जो भी रहता है ठीक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट सीज़ कर दिया अगर वेन द कहते जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही सीज़ हो गया द इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली सीज़ तो इंश्योरेंस भी ऑटोमेटिकली सीज़ हो जाएगी बस दो एक्सेप्शन रहती है एक्सेप्शन क्या है दो चीज़ें छोड़कर क्या जब बंदे की डेथ हो जाए तब वो पॉलिसी सीज नहीं होती तो क्या होता है उसके राइट ट्रांसफ़र उसका इंश्योरेबल राइट ट्रांसफ़र हो जाता है लीगल हायर पर ठीक है या जो उसका विल में नाम है किसी का तो उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है और जो ट्रस्टी है फैली कंडीशन तो ये है कि लीगल वाली अगर डेथ हो जाती है अगर मानो अगर डेथ के, के केस में ही कहते हैं एक ट्रस्टी और लिक्विडेटर इज ब्रेंक कर, करप्टी प्रोसीडिंग एक्वायर इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड बिकम द इंश्योर्ड और जो ट्री जो ट्रस्टी है ठीक है तो वही उसका उसको उस, उस पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा ठीक है अभी कहते हैं जो इंश्योरेंस मे बी कंटिन्यूड इफ़ द इंश्योर्ड बिफोर अकरेंस ऑफ द लॉस और डैमेज ऑबटेन सैंक्शंस ऑफ द कंपनी थ्रू द एंडोर्समेंट ठीक है अभी कहते हैं जो इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू रहती है जब कोई लॉस और डैमेज होने से पहले उसको सेंक्शन कोई कंपनी कोई सेंक्शन करती है या वो पहले अनडोर्समेंट करवा लेता है ठीक है मानो अल्टरनेशन करवा लेता है को मानो उसने बता दिया पहले ही पॉलिसी ख़त्म होने से पहले या पॉलिसी चल रही है उसमें बता दिया कि मैंने ना जी ट्रेड चेंज की है तो वो क्या होगा तो ट्रेड चेंज किया उसने बता दिया तो पॉलिसी चलती रहेगी ठीक है उसने सेक्शन करवा लिया एंडोर्समेंट तो वो पॉलिसी चलती रहेगी फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है इसमें कहते हैं जो इंश्योरेंस है डज नॉट कवर एनी लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी विच एट द टाइम ऑफ द लॉस एंड डैमेज इज़ इंश्योर्ड बाय द मरीन पॉलिसी कहते हैं जो मरीन पॉलिसी के अंदर है ठीक है तो जो प्रॉपर्टी को डैमेज होता है या लॉस होता है उसको कवर नहीं करती बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब कुछ अमाउंट जो पे होनी है वो एक्सेस के बियॉन्ड चली जाती है तो मरीन पॉलिसी में वो चीज़ें कवर की जाती है वही चीज़ें सिर्फ कवर होती हैं ओनली ठीक है मरीन कार्गो पॉलिसी इंक्लूडिंग कवर इन द रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड इट्स पॉसिबल टू फायर एंड मरीन कहते हैं जो मरीन कार्गो पॉलिसी है ठीक है इंक्लूड कवर इन द रिस्पेक्ट ऑफ फायर फायर के केस में क्या होता है जब कहते हैं आपका सामान मानो स्टोरेज हुआ है किसी पोर्ट पर ठीक है पोर्ट पोर्ट होता है ना जो जहाँ एक मानो जहाज़ सामान उतारते हैं या चढ़ाते हैं वो पोर्ट पर आपका सामान पड़ा हुआ है पोर्ट की पॉलिसी है फायर और आपकी पॉलिसी है मरीन तो उस केस में क्या होता है जो दोनों पॉलिसी हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं कि एक साथ मिल जाती हैं वैसा कहते हैं जो इंश्योरेंस है वो टर्मिनेट कर सकती है इंश... इंश्योर्ड को इंश्योरेंस में भी टर्मिनेटेड इंश्योरेंस में भी टर्मिनेटेड एट द टाइम बाय द इंश्योर्ड ऑफ द प्रीमियम रिफंडेड एट द शॉर्ट पीरियड स्केल तो हाँ उसमें किस में क्या होगा कि मानो अगर इंश्योर चाहता है कि उसका जो प्रीमियम है तो वो वापस हो जाए ठीक है तो वो क्या होगा वो पंद्रह दिन का नोटिस देके उसको वापस ले सकता है उस केस में क्या होगा जो बाकी बची टर्म थी जो अनएक्सपायर्ड जो जो एक्सपायर्ड नहीं हुई थी जो अनएक्सपायर्ड टर्म थी तो वो चीज़ रिफ़ंड कर जा, कर दी जाती है प्रो प्रोडाटा बेस पर प्रोडाटा बेस पर जितना उसने यूज़ किया उतने पैसे रख के बाकी पैसे उसको वापस किए जाते हैं बट अभी रिफ़ंड की कंडीशन फिफ्टीन डेज है तो उसको फिफ्टीन डेज बाद ही ट्रांस रिफ़ंड मिलेगा अभी द कंडीशन इज़ इन टू पार्ट दो पार्ट में कंडीशन है दिस कंडीशन इज इन टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडीशन लेज डाउन द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ द लॉस और प्रोसीजर फॉलोड बाय द हिम कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जो कहते हैं इंश्योर्ड की ड्यूटी है और जब इवेंट होता है तो उसका वो, प्रस, वो उसको वो फॉलो करेगा और प्रोसीजर दिया हुआ है जो वो फॉलो करेगा क्या कहते हैं जैसे ही एक्सीडेंट होता है लॉस होता है डैमेज होता है तो वो इमीडिएटली कंपनी को बताएगा पहली कंडीशन ये दूसरी कंडीशन कहते हैं वो पंद्रह दिन मानो कोई लॉस हुआ और उसने पंद्रह दिन में पंद्रह दिन हो गए बताया नहीं है तो वो क्लेम उसको नहीं दिया जाएगा तो उसकी ये कंडीशन है कि उसको पंद्रह दिनों में बताना होगा और एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी क्लेम के रिगार्डिंग अगर पंद्रह दिन से ऊपर है तो अगर कंपनी ग्रांट करती है कि पंद्रह दिन से ऊपर कोई बात नहीं दे दो तो कोई बात नहीं वो चल जाएगा बट मिनिमम पंद्रह डेज का ही टर्म है कि उसको देना ही पड़ेगा ठीक है अगर मान लो इससे डिले हो जाता है तो रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ जी क्यों डिले हुआ ठीक है तो वो तो एक और है कि सबमिशन ऑफ रीज़नेबल इंफॉर्मेशन एंड प्रूफ जो भी उसके क्लेम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंपनी में बताएगा और एक डेक्लेशन या ओथ oath होता है ना सुगंध लेनी ठीक है ओथ भी है कहते हैं एक डेक्लेशन होता है या लीगल फॉर्म होता है कि हाँ जिस जिसमें बताया जाएगा कि ये कैसे एक्सीडेंट हुआ और वो बंदा बोलेगा कि हाँ जी ये सब सच सच है ठीक है ऐसे द कंडीशन एक्सप्रेसली प्रोवाइड द कम्पलाइंस ये जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कहते बता रही है कंपलाइंस बता रही है जो टर्म है ठीक है टर्म विद विद इट्स टर्म इन द प्रिसडेंट इंश्योरेंस लाइबिलिटी जो कहते पहले उसकी लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस की पहले ही डिसाइड थी प्रिसिडेंट थी उसी के बारे में स्टैंडर्ड्स हैं कहते चाहे इंडिपेंडेंट लोस असैसर वो पहले लाइबिलिटी पता है कि लाइ लाइबिलिटी अक्कर होने वाली है लाइबिलिटी प्रेसिडेंट है तो लॉस सक्सेसर क्या करेगा वो अपॉइंट किया जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट देगा और कोज कोज देखेगा एक्सटेंट देख कोज लॉस ऑफ कोज देखेगा कारण क्या था लॉस का एक्सटेंट देखेगा कितना लॉस हुआ है द प्रोविजन ऑफ दिस कंडीशन आर स्टिल बाइंडिंग ऑन द इंशोर्ड और ये कंडीशन है इंशोर्ड की तरफ ही जाएगी ठीक है क्योंकि उसको लाइबिलिटी वो मिलेगी ठीक है जितनी भी उसकी रहेगी सेकेंड पार्ट में कहता है कहते हैं द कंडीशन इज नोन एज लिमिटेशन लिमिटेशन कंडीशन क्या है लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योर और एनी लॉसिस एक्सटिंग विश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ट्वेल्व मंथ जब बारह महीने से ऊपर हो जाता है तो उसको कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा ठीक है कब जब डेट ऑफ लॉस के एक्सपायरी मतलब आप मानो बारह महीने हो गए जब एक्सीडेंट हुआ था बट उसने फिर उसके बाद ये ये वो वाला है जब वो बंदा केस नहीं कर सकता लिमिटेशन है लिमिटेशन ऐसे नहीं बारह बारह महीने में पॉलिसी चल रही है ठीक है अभी कुछ पॉलिसी में ऐसा होता है कि वो उसमें बारह महीने का टाइम दिया जाता है और जैसे थर्ड पार्टी पॉलिसी है थर्ड पार्टी एक्सीडेंट हुआ थर्ड पार्टी में उसमें क्या हुआ तो जब डेट डेट ऑफ लॉस थी जब डेट ऑफ एक्सीडेंट थी तो वो उसको बारह महीने से ऊपर हो गया तो कहते हैं वो क्लेम माना नहीं जाएगा तो वो उसको मना कर दिया जाएगा एक कंडीशन ऐसा हो गया जहाँ मानो आपका डेट ऑफ लोस तो ठीक है बट आपका केस अभी पेंडिंग में चल रहा है आर्बिट्रेशन के पास ठीक है यहाँ कोई पेंडिंग एक्शन है तो उसको उसमें वो उसको फिर भी वैलिड माना जाएगा अगर नहीं है तो बारह महीने से ऊपर डेट होने के बाद वो क्लेम को मना कर दिया जाएगा वो होगा ही नहीं यही बारह महीने वाली ये बारह महीने कैलेंडर नीचे वाली भी इसको फर्दर कहते बताया गया है लाइबिलिटी में कहते अगर कोई कंपनी जो लाइबिलिटी है उसको डिसक्लेम्ब कर दिया इंश्योरेंस ने ठीक है और वो कोर्ट में केस करना चाहती है उसको बारह महीने के अंदर अंदर ही मतलब मना होने के बाद बारह महीने के अंदर अंदर ही डिस्क्लेमर के बाद बारह महीने के अंदर अंदर ही उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर वो नेक्स्ट चला जाता है थर्टीन मंथ थर्टीन थर्टीन मंथ में चला जाता है तो उसको उसको जो क्लेम है उसका जो क्लेम है वो बैरड माना जाएगा वो बंद किया दिया जाएगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट कहते कंडीशन प्रोवाइडनेस ऐसी अच्छा ये क्यों कंडीशन है कहते जितना ज़्यादा लेट होगा तो उसने चांसेस भी हैं वो प्रूफ भी चले जस्ट जो सब्सिंग सबस्टे, सबस्टेंट, सबस्टेनिस्टिंग ठीक है जो भी है सबस्टेंशियल इंफॉर्मेशन है वो गुम ना जाए ऐसा ठीक है तो इसीलिए उसको उसी उसी टाइम पीरियड में उसको सॉल्व होना ज़रूरी है नेक्स्ट एक कंडीशन बताया है राइट ऑफ एंट्री कहते जो इंश्योरर है उसका राइट right है कि जहाँ पे लॉस हुआ जहाँ पे लॉस हुआ उसका टेक उसका पोजेसन ले सकता है प्रॉपर्टी का और वहाँ में जो भी साल रहेगी उसको सेल करके प्रॉपर्टी जो भी है अपने अकाउंट में वो कर सकता है क्योंकि क्लेम पे होने के बाद वाली ये कंडीशन एंट्री ऑफ द राइट ऑफ द एंट्री ठीक है ये कई अब ये देखो ये जो जो हम भी जो अभी तक भी हमने पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं सपोज तो इसमें एक चीज़ है कि ये चीज़ें सारी ठीक है तो ये अलग अलग पॉलिसी की कंडीशंस बताई गई है, है ना एक इसमें ये है नहीं कि हाँ ये कॉमन कॉमन उन्होंने ले लिया बट ये ना ऐसा है कि हाँ जी अलग अलग पॉलिसी की अलग अलग कंडीशंस हैं बट इन्होंने एक में ही कर दिया है अभी जैसे कहते राइट ऑफ राइट ऑफ राइट ऑफ एंट्री अभी ये है राइट ऑफ द एंट्री अगर जहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे अपना बंदा या खुद जा सकती है ठीक है वो चेक कर सकती है कि हाँ क्या लॉस हुआ है और जो डैमेज है कवर के बाद जो साल है उसको रिकवर कर लेगी ठीक है और सेल कर देगी वो उस प्रॉपर्टी को जो भी है कंसर्न में ठीक है कहते कंडीशन फर्दर प्रोवाइड्स दैट अभी क्या कंडीशन फर्दर प्रोवाइड करती है कहते एक्सरसाइज दीज एक्सरसाइज दीज राइट डज नॉट मीन दैट लाइबिलिटी फॉर द लॉस एडमिटेड बेनिफिट अंडर द पॉलिसी फॉर हिटेड कहते जो ये कंडीशनस हैं कुछ ये जो कंडीशन है ना एंट्री वाली तो उसको फर्दर तीन में डिवाइड कर दिया कहते ये जो राइट है उसका ये मतलब नहीं कि लाइबिलिटी या लॉस वो बिल्कुल एडमिट किया जाएगा ठीक है कि हाँ ये लॉस पूरा ही मिलेगा वैसा भी नहीं है ठीक है अभी बेनिफिट जो उसके रहेंगे पॉलिसी के वो बंद कर दिए जाएंगे कब बंद कर दिए जाएंगे जब इंश्योर्ड कॉरपोरेट नहीं करेगा दज नॉट कॉरपोरेट अगर वो कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं करता तो वो फोरफिगेटेड उसको बंद कर दिया जा सकता है ठीक है द इंश्योर्ड हैज़ नो राइट टू अबंडन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड को कोई राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को जब्त कर ले इंश्योरेंस की आज्ञा के बिना या उसके अगर मानो उसका पोजेशन है उस पर इंश्योर का तो उसको बंडन नहीं कर सकता कौन इंश्योर्ड तो मतलब राइट ऑफ एंट्री का किस पे किस पे है इंश्योर क्योंकि लॉस हो गया इंश्योर ने लॉस पे कर दिया ठीक है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज रहे प्रॉपर्टी रहेगी तो उस पर इंश्योर का ही हक रहेगा जो साल है जाए इंश्योर का ही हक रहेगा कहते ये जो राइट ऑफ बंडमेंट है अराइज अंडर द मरीन पॉलिसी अभी देखो बात देखो फिर वही बात करी ना यह मरीन पॉलिसी का अभी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं तो राइट ऑफ अबंडमेंट मतलब जो राइट right है राइट ऑफ एंट्री का वहाँ पर वो बंद कर दिया जाए कर जाता है कहाँ पर जहाँ पे मरीन पॉलिसी वाली बात आती है तो जहाँ पर इंश्योर्ड कैन अबंड इंश्योर प्रॉपर्टी जो इंश्योर प्रॉपर्टी है उसको अबंडन कर सकता है मतलब उसको जब्त कर सकता है समझ लो ठीक है जो एक्सटेंसिवली डैमेज हो गई है या टोटल लॉस हो गई है ठीक है और कहते हैं जो जो राइट है ठीक है वो डनाई कर दिया जाता है फायर पॉलिसी में ठीक है जैसे भी प्रॉब्लम रह प्रॉब्लम रहती है मीन के मोटा यही बताया गया है जो सालवेज है ना वो इंश्योरर की ही है ठीक है इंश्योरेंट की सालवेज क्यों है क्यों क्योंकि वो मिनिमाइज़ करता है मानो सालवेज बेच के या कुछ भी मानो उसने लॉस पे कर दिया तो वो डैमेज पार्ट है तो वो उसको बेच के मिनिमाइज़ करता है लॉस को डैमेज को क्योंकि वो कहते हैं वो ना उसका हक है उसको लॉस को ऐसे कम करने का तो अभी जो लॉस असेसर है वो कहते परमिशन एंट्री ऑफ द राइट ऑफ द एंट्री है ना राइट राइट ऑफ द एंट्री तो जो लॉस असेसर है वो परमिशन में जाता है एक्सटेंट देखता है कि कॉज एक्सीडेंट का कारण क्या था अगर कुछ गलत है तो उसको मना कर देता है तो उसका मानो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कहेंगे मतलब पैसा बचा ना नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ गलत था या इंटेंशनली किया था तो वो मना कर देगा ठीक है तो वो मानो पहले ये लॉस जाएगा कोज कॉज ऑफ लॉस देखेगा एक्सटेंट देखेगा कितना लॉस हुआ है और जो सार्वज है ठीक है उसको लॉस मिनिमाइज करने को उसको सेल भी कर सकता है ठीक है द राइट इज़ कंफर्म्ड बाय द कंडीशन आर एक्सरसाइजेबल बाय द कंपनी एट द टाइम टाइमिल यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जब वो राइट ऑफ एंट्री बना कर दी जाएगी किस कंडीशन में जब कहते हैं जो इंश्योर्ड है वो राइटिंग में ना इंश्योरेंस कंपनी को लिख के देता है कि हाँ जी उसने क्लेम नहीं लेना तो उस केस में उसकी राइ जो राइट ऑफ एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी इंश्योरेंस की ठीक है और यहाँ कुछ ऐसा है कि हाँ जो फाइनली द क्लेम इज़ फाइनली डिटरमाइंड और विड्रॉल या क्लेम एक तरह से मना हो जाए या, या क्या हो गए कि हाँ जी जो इंश्योर्ड है उसने विड्रॉल कर लिया क्लेम से कि हाँ जी वो कहे जी मैंने क्लेम लेना ही नहीं है तो उसके उस केस में उसकी एंट्री बैंड कर दी जाएगी ठीक तो है तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कंडीशन है डील विद द फ्रॉड अभी ये जो कंडीशन है सारी फ्रॉड फ्रॉड्स के बारे में है कि कैसे वो फ्रॉड करते हैं और कंपनी मना करती है कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑल बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी शैल बी फॉरटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस वो वो चीज वो वो कंडीशन्स जहाँ पे क्या होता है जो सारे बेनिफिट हैं पॉलिसी के वो फॉरफीएटेड कर दिए जाते हैं ख़त्म कर दिए जाते हैं बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं तो वो कहते हैं नीचे दिए हुए हैं जिनके कारण अगर जो वो कंडीशन आती है तो वो जो बेनिफिट हैं वो सारे बंद कर देंगे ख़त्म हो जाएंगे तो पहला कंडीशन है द क्लेम इज़ फ्रॉडुलेंट जब क्लेम फ्रॉडुलेंट होता है तो क्लेम मतलब फॉर पॉलिसी क्लेम ही नहीं मिलेगा अगर फ्रोडोलेंट है तो है ना तो क्लेम इज़ प्रोडोलेंट तो क्लेम नहीं मिलेगा दूसरा क्लेम इज सपोर्टेड बाय द फॉल्स डेक्लरेशन कुछ बंदा कह रहा है कि कुछ ने उसने डेक्लरेशन कर दी ये मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट ऐसे हुआ है बट वो ऐसे तो हुआ ही नहीं था उसने डेक्लेयर तो कर दिया ना बट अगर बाद में पता लगा कि ये तो फाल्स है ये गलत है तब भी इसमें क्लेम नहीं मिलेगा फ्रोडोलेंट मीन आर यूज अगर कुछ भी फ्रॉडोलेंट मीन तरीक मीन्स मतलब कोई तरीका यूज़ करता है क्लेम लेने का ठीक है तो वो भी तब भी वो मना कर दिया जाएगा अगर लॉस या डैमेज होता है उसके विलफुल एक्ट से अगर वो उसने जानबूझ के किया या खुद ब खुद आ कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे नुकसान हो गया ठीक है तो वो क्लेम नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट आ गया ये कहते हैं ये ना ये ना ये जो ये कॉमन लॉ है ठीक है जो भी हाँ फ्रॉड नहीं करना ये अटमोस्ट गुड फेथ है है ना कॉमन लॉ है एम्पायल्ड कंडीशन है ना हमने पढ़ा था कि कोर्ट के बारे में कोर्ट ने ये इम्पोज की हुई है लगाई हुई है ये तो एक कॉमन लॉ है कि हाँ अपनी चीज़ को ठीक रखना और फ्रॉड नहीं करना डिसऑनेस्टी नहीं करना अगर डिसऑनेस्टी होती है फ्रॉड होता है तो वो जो पॉलिसी है ऑटोमेटिकली वॉइड मानी जाएगी तो बस यही चीज़ बताई है इसमें इसी चीज़ पर इन्होंने ज़ोर दिया एम्फोसाइज दिया हुआ है बस ठीक है